Okay, I'm joined by young and energetic Pankaj Singh ji, who is here with us. He's the MLA from Noida. Pankaj ji, tell me, you are here in Vidhan Sabha today. आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं. How do you seeing the mood here in Lucknow? कैसे देख रहे हैं आप? मैंने मूड एकदम बहुत सबका बहुत ही उत्साह और पूरे इंथुजियाज्म में है. पूरे एनर्जी के साथ लोग उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि तैयार हैं. और बिल्कुल अच्छा माहौल है. बीइंग अ यंग एमएलए, यू हैव गॉट अ मैंडेट, अ ह्यूज मैंडेट फ्रॉम द पीपल ऑफ नोएडा. अराउंड 1,80,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 81,513. कहीं पर भी ये एकदम भी कहीं पर भी ये सवाल ही नहीं है. और कहीं पर भी ये सवाल ही नहीं है. बात यह है कि अलग अलग कार्यकर्ताओं को पार्टी अलग अलग दायित्व देती है. कुछ लोग सरकार में काम करते हैं, कुछ लोग संगठन में काम करते हैं. मैं पार्टी में कई साल से मैं महामंत्री रहा. मैं अभी उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ. युवा मोर्चा का मैं इंचार्ज हूँ पूरे स्टेट का. तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे काम कर रहा हूँ. युवाओं पे बड़ा आपका जो कामकाज रहा, युवाओं ने खासा जो है पसंद किया. दे रियली लाइक्ड भारतीय जनता पार्टी एंड दे वोटेड आउट इन अ मैक्सिमम नंबर. सो कीपिंग दैट इन माइंड, नाउ द बीजेपी इज ऑलवेज इन एन इलेक्शन मोड. तो कीपिंग इन माइंड द 2024 जनरल इलेक्शंस, क्या तैयारियां हैं आप लोगों ने अभी से शुरू कर दी है? देखिए, पार्टी हमारी पार्टी की मजबूती का कारण ही हमारे कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार 365 दिन 24 घंटे जो काम करते रहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण है. और एक चुनाव समाप्त हुआ है, अब हम लोग तुरंत अभी MLC के चुनाव चल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को मिल गई है. अलग अलग कार्यकर्ताओं को हम लोग उसमें लगे हुए हैं और अब उसके बाद 2024 के चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे. तो क्योंकि सिर्फ सरकार में आने के बाद तुरंत फिर काम करते हुए अपने देश प्रदेश को आगे ले जाना, राष्ट्रवाद और सुशासन के लिए काम करना, इस लक्ष्य के साथ लगातार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, क्या आपको लगता है कि इफ देयर विल बी एनी सॉर्ट ऑफ चेंज हियर, या कैबिनेट एक बार फिर से अगर बनता है तो आपको मौका मिलना चाहिए तो शायद आप और अच्छे से काम कर पाए? इस तरफ मैंने कभी विचार किया ही नहीं है. इस तरफ मैं कभी विचार करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये तय करना ये मेरा काम ही नहीं है. ये तय करना पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उस पर काम मैं प्रारंभ कर देता हूँ. और मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ही इसी सोच विचार के साथ काम करता है. जाते जाते कुशीनगर पे और बोल दीजिए, क्या क्या लग रहा है? द इंसिडेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस, 4 पीपल हैव बीन अरेस्टेड टिल नाउ. गोरखपुर जो जोन ADG जोन है वो भी मौके पे हैं, उन्होंने भी पूरा रिव्यू किया है. हाउ डू यू सी दिस इंसिडेंट? दिस इज रियली ट्रैजिक एंड शॉकिंग. देखिए, बहुत ट्रैजिक है, बहुत शॉकिंग है, अनफॉर्चुनेट है. और इतना मैं कह सकता हूं कि ये सपा बसपा कांग्रेस जो इनके दल हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों को कास्ट क्रीड रिलीजन पर बांटकर पॉलिटिक्स की है और हमेशा एक वैमनस्यता का माहौल पैदा करने की कोशिश की है. और ये सब घटना जो हो रही है, हुई है, ये सब उनकी उसी राजनीति के का देन है. लेकिन इतना तय है कि इस सरकार में ऐसे लोगों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी और ऐसे लोग बचेंगे नहीं. पंकज जी, एक फाइनल क्वेश्चन और है. राकेश टिकैत इज स्टिल अगेन स्टेजिंग अ धरना इन मेरठ, कैसे देख रहे हैं आप? सॉरी, इन मुजफ्फरनगर. तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? वो कह रहे हैं कि लखीमपुर का जो मसला है एक बार फिर से यहाँ से उठाया जाएगा. देखिए, वो जो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन माननीय न्यायालय में वो पूरा मुद्दा था है. और जो और किसान जब देश का जवान, वो सब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी नीतियों के साथ खड़ा है. कोई असर नहीं रहेगा BKU का? नहीं, मैंने कहा ना कि सभी किसान इस बात को समझते हैं कि जो भी उनके हित के लिए अगर कोई कदम किसी ने उठाए हैं तो भाजपा ने, आगे भी अगर कोई उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही उठाएगी.